कमुच वर्तमान जमुना नदी जलस्तर किंतु लोकमाने हैरान हरकत होउछंती जति कि बन्या पानी कमुच सेति कि दुर्दशा बढ़ुच वर्तमान दिल्लीवासींकर केमिति अछि दिल्लीर ताजा हाल सीधासळख जानिबा सहयोगी रचना वर्तमान घटनास्थल रे अछंती रचना टिकी रचना जी आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां का सिचुएशन क्या है। जलस्तर तो थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन राजघाट के बाहर की स्थिति की बात करें तो पानी वैसे का वैसा ही है जैसा कि कल था। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जो राजघाट है पानी में एक तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है और राजघाट के बाहर आप देखें जिस तरीके का पानी भर गया है तो ये जो पूरा नजारा है एक नदी में तब्दील हुआ नजर आ रहा है, मानो एक नदी बह रही हो राजघाट के बाहर। और यहाँ पर अभी किसी को आने के लिए भी इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना होने पाए, तो इसीलिए यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो पर्यटक घूमने आते हैं दिल्ली तो उन लोगों को भी इस जगह पर आने की मनाही है और राजघाट की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर पहुंचे थे और अब जिस तरीके से यहां पर आप देखें तो पानी जो है उसमें गंदगी भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी क्योंकि बारिश का सीजन है और ऐसे में पानी भर जाने से जो मच्छरों के ज्यादा होने की संभावना रहती है और मच्छरों से ही डेंगू मलेरिया जैसी चीजें होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है तो वो एक चिंता। तो क्या बोला जा रहा है अभी कि पानी का स्तर कब तक कमेगा, कब तक कम हो जाएगा पानी का स्तर? देखिए यमुना में जल स्तर तो थोड़ा कम हुआ है और ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले एक दो दिन में और पानी कम हो सकता है लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगर ऐसे में तेज बारिश और होती है अगले दो दिनों में तो पानी और भी ज्यादा भरने की यहाँ पर संभावना है क्योंकि अभी की स्थिति आप देख सकते हो कि आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है और अगर बारिश होती है तेज और पानी यहाँ पर भर जाएगा तब आप इसकी कल्पना कीजिए कि यहाँ पर क्या हालात होंगे क्योंकि अभी ये है लोग नहीं जा पा रहे, जो अंदर स्टाफ के क्वार्टर्स थे वो भी आप देखें तो पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं क्योंकि अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, अभी पानी पूरा जो है कमर से ऊपर भरा हुआ है। तो तस्वीरें थोड़ी सी जरूर डराने वाली हैं क्योंकि पानी भरा है, लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने वाले लोग आ नहीं सकते। बिल्कुल सामने देखे तो वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति है कि सड़कों पर पानी उतर आया है, सड़कों पर भी पूरी जल भराव की वाटर लॉगिंग की स्थिति है तो तमाम जगहों पर दिल्ली में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है और उससे निपटने के लिए सरकार भी बैठक कर रही है, राहत बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं लेकिन जब ये पानी खत्म होगा तभी दिल्ली के लोगों की समस्याएं भी खत्म होंगी। बिल्कुल रचना जी, लोगों की परेशानी अभी बढ़ने लगी है जैसे कि पीने की पानी के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पीने की पानी का समस्या को कैसे समाधान किया जाए उसको लेकर दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए ऐसा है कि पानी के लिए दिल्ली में जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको बंद कर दिया गया था यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद प्लांट को, तो जिसके चलते दिल्ली में कई जगहों पर पीने के पानी की समस्या हो गई है, लोगों को टैंकर मंगाकर पानी पीना पड़ रहा है या वो पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो अब जब पानी खरीद कर पीना पड़ता है तो उनके बजट पर सीधा इसका असर पड़ता है और टैंकर बुलाने के लिए भी कई बार लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है कि एक बार टैंकर बुलाए तो कितना पानी वो स्टोर करके रख पाएंगे। तो पीने के पानी को लेकर भी काफी समस्या है क्योंकि घर में काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो ऐसे में पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं या वो टैंकर पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू नहीं होंगे तब तक जो पीने के पानी की समस्या है उससे निजात यहाँ पर नहीं मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आज शुरू करने की कवायद की जाएगी, उसको शुरू कर दिया जाएगा लेकिन जब तक 3 वाटर प्लांट नहीं होंगे तब तक पानी की समस्या भी एक बड़ी समस्या लोगों के लिए यहाँ पर है। जो जो वीआईपी एरियाज में अभी पानी है, जो जो हाईलाइन एरियाज में अभी पानी है वहां पे ये पानी का समस्या है क्या, पीने के पानी का? देखिए लुटियन जोन की बात अगर हम करें यानी कि हम एनडीएमसी एरिया की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की स्थिति है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने से वहां पीने के पानी की समस्या है, लोगों को टैंकर्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है या पानी की जो बिजलरी की बॉटल्स होती हैं वो खरीद कर पीनी पड़ रही है। तो लुटियन जोन के साथ साथ आउटकट के जो एरिया है वहां पर भी पीने के पानी की समस्या है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी तमाम जानकारियों के लिए। जमुना नदी जलस्तर किसी अंचल बर्तमान कमुच्छे किंतु लोक परवर्त समय दुर्दशापूर्ण परिस्थिति भितर देखा मिलू से भितर असंतोष भी बढ़ुच्छे किंतु एमती किसी भी अंचल अच्छी जो स्थान में वर्तमान भी पानी स्तर अच्छी।
न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 एवं एपटे आउ एक लघुचाप आसुची आसंता 19 तारीख में लघुचाप सृष्टि होगा संभावना थी बेले 17 रु बढ़ वर्षार परिमाण 16 बेलक उत्तर पश्चिम बंगोपसगर घूर्णिबल सृष्टि हो पाए घूर्णिबल आसंता 19 तारीख में लघुचाप रूप नहीं पारे लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर प्रभाव में 17 रु वर्षार परिमाण बढ़ जमुना नदी में बन्या बढ़ाई दिल्लीवासी जंत्रणा लाल किल्लार पा पशिता बेले सुप्रीमकोर्ट में लहड़ी मार्च बन्या झड़ राजघाट आरंभ कर राजरास्ता मेट्रो सबकि जलमग्न राजघाट में बापू समाधि पीठ से जमुना जल पशि गेट आगे 4 फुट रु अधिक बाणी बहुत पुणा दिल्ली में पशि जमुना बन्या जल आईटीओ आईटीपीसी रिंग रोड बुजरागढ़ शांति वन में हाल बेहाल पेरिस गस्त पर आबुधाबी में पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवसर में आबुधाबी विमान बंदर मोदी को भव्य स्वागत करते साउदी आरब राष्ट्रमुख्य शेख मोहम्मद बिन जायद साउदी राष्ट्रमुख्य द्विपाक्षिक आलोचना कर प्रधानमंत्री मोदी यापर अपराह साउदी आरबू भारत प्रत्यावर्तन करे प्रधानमंत्री दुईदिनिया फ्रांस गस्त पर आबुधाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सारी प्रधानमंत्री को सेठे भव्य स्वागत कर आबुधाबी विमान बंदर साउदी आरब राष्ट्रमुख्य शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से भव्य स्वागत कर साउदी राष्ट्रमुख्य द्विपाक्षिक आलोचना भी कार्यक्रम अच्छी आज अपराह साउदी आरबू भारत प्रत्यावर्तन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी किंतु ता पूर्व जितेबाला फ्रांस गस्त रही फ्रांस गस्त समय यूएई गस्तर कार्यक्रम था और यूएई में पहुंचा पर आबुधाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भव्य स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गुड़े प्रसंगे आलोचना होगा नहीं कहा कार्यालय जलमग्न हो सबुआड़े नदीर भ्रम जलस्तर टिके जदि कमी किंतु विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि जमुना तलिया अंचल स्थित सांघातिक जल प्रलय सहित ट्राफिक जाम दिल्लीवासी नीत हजाई युद्धकालीन भितर चली उद्धार कार्य रेस्क्यू अपरेसन नियोजित एनडीआरएफ टीम सेनार सहायता आईटीओ डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग निकट में रेस्क्यू अपरेसन जारी रहता बेले 16,000 लोक उद्धार कर ଗୋଟେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 3 ଜଣ ପିଲା ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ନ କରି କାଚି କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ आंध्रप्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर सफलतार सह उत्क्षेपण पर चंद्रयान 3 पृथ्वी चारिपटे निर्धारित कक्षपथ गुरुचि उत्क्षेपणर 16 मिनिट पर चंद्रयान 3 को बहन कर आकाश को जाता जीएसएलवी मार्क 2 कक्षपथ में प्रवेश कर इसरोर निर्धारित कक्षपथ में से ही बेगरे चंद्रयान 3 पृथ्वी चारिपटे घूरी बुलू 15 दिन जाए चंद्रयान 3 पृथ्वी चारिपटे बुलिबो अगस्त 1 रे पृथ्वी कक्षपथरु बाहरी चंद्र आड़क गति करिबो यहां पर चंद्रयान 3 चंद्रर कक्षपथ में प्रवेश करिबो कक्षपथ एक ग्रह कि आपण देखुचंती खबर फटाफट पुणी वर्षार भासला राजधानी आज सकाळ 8:30 सुधा कटक स्तर में 41.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले भुवनेश्वर में 14.7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती लगाण वर्षा इस्कन मंदिर निकट में पा जमी केवल से नुह जलमग्न जो बस सहित फसी रही बैक
ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଇସ୍କ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ସେପଟେ ଦିନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ଆକାଶ। ସହରରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ି 47 ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ପୁରୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହୁଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଲେଜ ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବ୍ଲକରେ 108 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗରେ 105 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ 10.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କି ହାରାହାରି 98.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭାସିଛି ସିଲଭର ସିଟି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିଛି, ପଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ମେରିଆ ବଜାରରେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ଜଳ। ଏଥିସହିତ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ସେପଟେ କଟକର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳ, ଡ୍ରେନ୍ ଜଳ ଏକାକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ସହରରେ ଜଳାନବ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସହରବାସୀ ଅପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ଯିବେ କେମିତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲେନି? ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 10:00 ବେଳେ ଯିବାର ଥିଲା।